केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान, 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का बड़ा दायरा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद 5 राज्यों में अब तक 331 करोड़ 47 लाख रुपए की नकदी, शराब, ड्रग्स, सोना चांदी और मतदाताओं को मुफ्त बांटने के लिए लाया गया सामान जब्त किया गया। सिम रियाज ने कराई कपिंग थेरेपी, सोशल मीडिया पे फोटो शेयर करी, फोटो देखकर फैंस हुए परेशान। लेदर पैंट और क्रॉप टॉप में नजर आई दीपिका, ड्रेस की सही कीमत 91,000 रुपए लगाई गई है। पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम ने बदली करवट, उत्तराखंड के कई इलाकों में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद पूरे पहाड़ पे ठंड लौट आई है। नवनीत राणा और अरविंद सावंत के बीच बॉडी लैंग्वेज पर हुआ बवाल, नवनीत राणा ने कहा, क्या कोई पुरुष बताएंगे मैं कैसे बोलूं, बिना ठोस वजह यात्रा करने अगर इंग्लैंड गए तो लगेगा 5 लाख रुपए का जुर्माना, यह नियम जून 2021 के अंत तक लागू हो सकता है। संजय लीला भंसाली हुए कोरोना नेगेटिव, जल्द शुरू होगी गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग, फिल्म में संजय और अजय 22 साल बाद एक साथ फिर काम करेंगे। अमित शाह बोले, ममता जी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करनी चाहिए, जल्द ही सनी देओल के बेटे के संग बॉलीवुड डेब्यू करती नजर आएंगी अलीजा अग्निहोत्री। हिना खान ने समंदर में की मस्ती, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो, फोटो देखकर फैंस बोले स्वीट कैंडी। अमेरिका के एल सेल्वाडोर देश में सर्फिंग के दौरान एक महिला खिलाड़ी की बिजली गिरने से हुई मौत, 22 साल की इस महिला खिलाड़ी का नाम कैथरीन डियास था। विराट कोहली के बल्ले से निकला एक और बड़ा रिकॉर्ड, कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। 2021 रेलवे भर्ती में 10वीं पास के लिए 680 वैकेंसीज निकली है, ना ही कोई लिखित परीक्षा होगी और ना ही कोई इंटरव्यू। एम्स सुरक्षा कर्मी से हुई मारपीट मामले में आपके विधायक सोमनाथ भारती की सजा बरकरार, यूपी में पार्टी और अन्य सामूहिक आयोजनों पर लगा रोक। जियो का आया शानदार प्लान, 20 रुपए कम देकर 28 के बजाय 84 दिनों की मिलेगी वैलिडिटी। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर रोजा गांव के पास आज परिवहन निगम की बस और ट्रक ट्रेलर की टक्कर में 6 लोगों की हुई मौत। अंकिता लोखंडे ने किया खुलासा, सुशांत सिंह राजपूत से ब्रेकअप के कारण छोड़ी बाजीराव मस्तानी फिल्म। सचिन वजे केस में एसटीएस को हाथ लगी बड़ी सफलता, दमन से जब्त की वॉल्वो कार, कई अहम सबूत मिले। सीबीएसई के छात्र किसी भी शहर में दे सकेंगे परीक्षा बोर्ड। होली की तैयारियां शुरू होने लगी हैं, गुलाल और पिचकारियों से सजने लगे हैं बाजार। युवाओं को स्वरोजगार करने के लिए 5 योजनाओं से मिल सकता है लोन। स्मृति ईरानी का 23 साल पुराना रैंप अप वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। गुजरात के सूरत में एक ही दिन में 34 ऑटो रिक्शा चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो और ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहे राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क।